Welcome to my channel student tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is how do traits get expressed. यानी जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो भी कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरह से एक्सप्रेस्ड होता है. बात की जाए तो ये पूरे जो मैंने हेडिंग दी है उसका यही मीनिंग है. मेंडल्स ने जब अपने लॉज दिए थे तो उसमें उन्होंने बताया था कि पेरेंट्स से 50-50% जो कैरेक्टर होते हैं वो प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं. इसलिए जो उनकी प्रोजेनी होती है पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है. ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो वो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, किस चीज़ों के जरिए जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट्स है वो एक्सप्रेस्ड होता है, ये हमें जानना है. तो जो ट्रेट्स है उसका क्या मतलब है, हम लोगों ने बहुत से टर्म्स पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी जानते हैं. तो कैरेक्टर मीन्स ट्रेट मीन्स की कैरेक्टर. हमारे कैरेक्टर्स हमारी बॉडी पेरेंट्स से हमारे अंदर बहुत से कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ है, चाहे वो हाइट से रिलेटेड हो, चाहे स्किन कलर से रिलेटेड हो, चाहे हेयर कलर से, चाहे हेयर टेक्सचर से, चाहे आइज का कलर. इतने ढेर सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं. तो ट्रेट्स का क्या मतलब हुआ, कैरेक्टर्स जो एक पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं. अब जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जीन्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं. अब जीन क्या होते हैं, ये होते हैं जीन जो होता है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है वो होता है स्टोरेज यूनिट होता है. इसके पास बहुत से इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती हैं. ठीक है, और ये ट्रांसफर करता है उसको पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में. अब जीन जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, जीन जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डाई ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है. जब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ये सब जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आगे हम लोग ये जब भी क्लास 11 12th में पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें थोड़ी डिटेल में हैं. तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं इस डीएनए में. मान लो कि इस ये जो पूरा डीएनए है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोटीन बन रहा है जो पेरेंट से कैरेक्टर को ला के यहाँ पे स्टोर किया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टोर हुआ है मीन्स यहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है जो कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हम ये नहीं कहेंगे कि डीएनए के पूरे पार्ट में जीन्स प्रेजेंट है या पूरे पार्ट में स्टोरेज वाली जो जीन्स होते हैं वो स्टोरेज यूनिट की तरह वर्क जो कर रहे हैं वो जीन्स प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता है. डीएनए होता है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा उसका सेगमेंट बड़े बड़े होते हैं, बट हर सेगमेंट में स्टोरेज यूनिट के जीन्स नहीं प्रेजेंट होते. कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कैरेक्टर को स्टोर किए होते हैं, जो पेरेंट्स से लाके प्रोजेनी में कैरेक्टर को स्टोर करते हैं वो जीन्स. मान लो कि डीएनए के इस पार्ट में प्रेजेंट होता है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो जीन्स है ये एक स्टोरेज यूनिट है जो कहाँ से, पेरेंट्स से प्रोजेनी में किसको ला रहा है, कैरेक्टर को ला रहा है. वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हाइट का हो सकता है, बॉडी कलर का हो सकता है, स्किन कलर का हो सकता है, आइज कलर का हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है. तो जीन क्या है, एक स्टोरेज यूनिट है जो कैरेक्टर को कैरेक्टर को स्टोर करती है. कहाँ स्टोर करती है, डीएनए में, क्योंकि जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है. डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट है जहाँ पे वो उस कैरेक्टर को स्टोर किए हुए. अब डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है. हमने जब क्लास 9th में सेल का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स किससे कंसिस्ट होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलके क्रोमोसोम्स बने होते हैं. तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की तो एक्चुअल में डीएनए ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही कॉइल्ड पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स किससे बना है, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है. और एक्चुअल में क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए है. डीएनए का बहुत ज़्यादा कॉइल्ड कंडीशन जो होती है उसी को क्रोमोसोम्स कहते हैं जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. अभी ये क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है,
ये क्रोमोसोम्स कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है? कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में प्रेजेंट होता है। तो जब हम लोगों ने सेल्स पढ़ा था तो उसमें देखा था कि बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। न्यूक्लियस में हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियोप्लास्म और बहुत कॉइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट में जीन प्रेजेंट होते हैं जो कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलो, अब ये क्रोमोसोम जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि डबल हेलिक मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि हाफ क्रोमोसोम्स मेल से आता है, हाफ फीमेल से आता है और 100% एक प्रोजेनी के कैरेक्टर को बनाता है। अब ये क्रोमोसोम्स की बात करें तो ऐसा देखा जाए तो सिंगल इस तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डबल क्रोमोसोम्स का मतलब ये है कि हाफ जो है मेल से आया है, हाफ फीमेल से आया है। क्या है? हाफ मेल से आया है और हाफ फीमेल से आया है, ठीक है? तो क्रोमोसोम्स में यानी डीएनए से बना हुआ, तो डीएनए हाई है, डीएनए है तो इसका मतलब जीन्स में प्रेजेंट है ना? तो अगर इस क्रोमोसोम्स के हम इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की, ठीक है, यहाँ पे माना कि जीन्स प्रेजेंट है, वो जीन्स किसके लिए प्रेजेंट है? हाई के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स प्रेजेंट है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक जीन सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं, एक जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रेजेंट होता है डीएनए में। उस कैरेक्टर को वो स्टोर किया रहता है और ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये माना कि एक क्रोमोसोम से जिसके एक पार्ट पे क्या प्रेजेंट है? टॉल, यू नो, हाइट का कैरेक्टर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइट का कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? हाइट का एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है? हाइट एक एग्जाम्पल लिया है। अब माना कि इसका ये जो है ये एक फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है ना, तो माना कि मेल जो है उसने टी जो है वो टॉल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। फीमेल का लिया, फीमेल का ये जो पार्ट होता है वो एक मान लिया, एग्जाम्पल ले लिया कि वहां पे भी टी कैरेक्टर का जो जीन है वो प्रेजेंट है। अब जब कैपिटल टी है, कैपिटल टी हमने बोला था कि डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट अगर कोई जीन प्रेजेंट है, अगर हाइट की हम बात कर रहे हैं तो हम उसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अगर रिसेसिव प्रेजेंट है तो हम उसको स्मॉल टी से करेंगे। तो यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम्स है जो मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स को मिलके बना हुआ है, उसके एक पार्ट में जो जीन प्रेजेंट है उसने हाइट के कैरेक्टर को स्टोर किया हुआ है, जिसमें से फीमेल का जो जीन है उसने कैपिटल टी स्टोर किया हुआ है और फीमेल का जो जीन है उसने भी कैपिटल टी किया हुआ है। तो जो प्रोजेनी बनेगी वो कैपिटल टी बनेगी। क्या बनेगी? कैपिटल टी बनेगी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो बच्चा होगा वो टॉल होगा, ठीक है? और ये कौन सी कंडीशन होगी? होमोजाइगस कंडीशन होगी, क्योंकि दोनों ही टी कैपिटल है, ठीक है? अब मान लो कि यहाँ पे मेल जो है उसने कैपिटल टी का जीन्स प्रेजेंट है और फीमेल में स्मॉल टी का जीन्स प्रेजेंट है, तो कौन सी कंडीशन होगी प्रोजेनी में? उसमें जो कंडीशन होगी कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, यानी वो भी टॉल की होगी। बट कंडीशन चेंज हो गई क्योंकि ये क्या हो गई? हेटरोजाइगस कंडीशन हो गई। अगर हम माने तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ जो डोमिनेंट जीन से उसी के कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो भी बच्चा होगा उसका हाइट क्या होगा? टॉल होगा, ठीक है? अब मान लो कि जो जीन्स है, जो जीन्स मेल का है वहाँ पे स्मॉल टी है और फीमेल में भी स्मॉल टी है, ठीक है? तो अब जो प्रोजेनी बनेगी वो स्मॉल टी बनेगी और अब जो बच्चा बनेगा वो शॉर्ट हाइट बनेगा यानी ड्रॉप बनेगा, ठीक है? और यहाँ पे ये जो कंडीशन होगी वो भी होमोजाइगस होगी क्योंकि इसमें दोनों ही टी क्या है? स्मॉल है। तो ये क्या हो गया? ये मैंने बताया कि किस तरह से कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह से कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? तो हमने पढ़ा कि जो ट्रेड्स होते हैं, मीन्स कैरेक्टर होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो जीन में स्टोर होते हैं। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्टोर किए होते हैं। हर कैरेक्टर को नहीं, कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है।
डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है डीएनए और प्रोटीन से ही मिलके बना होता है, और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के में प्रेजेंट है, जो सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स इस तरह से है, उसके एक पार्ट जो है मेल का है, एक फीमेल का है, दोनों ज्वाइंट हो गए, एक फुल्ली क्रोमोसोम्स बनाए हुए हैं। मेल के पार्ट में कैपिटल टी है स्मॉल, और फीमेल में भी कैपिटल टी है, तो हाइट के कैरेक्टर को क्योंकि हमने लिया है तो कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, यानी बच्चा टॉल हो गया। स्मॉल टी अगर कंडीशन आई तो बच्चा शॉर्ट हाइट का हो गया, और अगर कंडीशन आई, किसकी कंडीशन आई, कैपिटल टी स्मॉल टी की आई, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ बच्चा फिर भी टॉल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टर किस तरह से एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जो जीन है वो क्या सेंसिटाइज करता है? प्रोटीन सेंसिटाइज करता है। ठीक है, क्या सेंसिटाइज करता है? प्रोटीन का सेंसिटाइज करता है। ठीक है, प्रोटीन ही बनाता है, देखा जाए तो जीन जो होता है प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन अगर हम प्लांट की हाइट की बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं, और जैसे प्लांट की हाइट है, अगर हाइट प्लांट की हो रही है तो यानी वहाँ पे प्लांट का एक हार्मोन से जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हार्मोन किससे बन रहा है? प्रोटीन से बन रहा है। प्रोटीन किससे बन रहा है? जीन से बन रहा है। यानी ये देख के कहा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल हो रहा है प्लांट की हाइट के लिए। जो हार्मोन्स बना रहा है, प्लांट हार्मोन्स बना रहा है, वो जो है ऑक्सिन। हम कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑक्सिन जो होता है प्लांट हार्मोन्स होता है जो हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हमने प्लांट का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, प्लांट हाइट का एग्जाम्पल लिया है, तो जो प्लांट में जीन्स प्रेजेंट है वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, जब प्रोटीन बन रहा है तो जो हार्मोन्स जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है वो बना रहा है प्रोटीन, उस हार्मोन्स को बना रहा है। अब जब हार्मोन्स बन रहा है तो वो बनता जा रहा है, एक अच्छी क्वांटिटी में बनता जा रहा है, जिससे हाइट बढ़ती जा रही है। अब हाइट ऑक्सीजन बढ़ा रहा है, इसका मतलब जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। ठीक है, अब अगर जीन्स जो है वो जो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, वो बाई चांस बन रही है, मगर उसमें जो हार्मोन्स बन रहा है वो बहुत कम क्वांटिटी में बन रहा है, यानी जो ऑक्सिन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी क्वांटिटी बहुत कम बन रही है, तो क्या होगा? अब वो प्लांट जो होगा वो शॉर्ट हाइट का हो जाएगा। क्या होगा? अब देखो, जीन हुआ जो प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये प्रोटीन क्या बना रहा है? हार्मोन्स बन रहे हैं। ठीक है, हार्मोन्स बना रहा है, वो जो प्लांट हार्मोन्स है जिसको हम ऑक्सिन बोल रहे हैं, ये इसको बना रहा है, ये जो है क्या कर रहा है? टॉल हाइट दे रहा है। ठीक है, अब यहीं पे जो जीन प्रोटीन बना रहा है, अगर इसकी वो प्रोटीन इतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रखता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर पावर नहीं है कि वो हार्मोन्स का जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर पाए, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर पाए, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाया तो ऑक्सीजन बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा, जिससे प्लांट का हाइट नहीं बढ़ेगा। भाई हार्मोन्स ही हाइट बढ़ा रहा है, तो वो हाइट नहीं बढ़ पाएगी, तो क्या होगा? प्लांट शॉर्ट हाइट का हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट हाइट का हो जाएगा। ये तो दो कंडीशन हुई जिसमें अगर अब जीन जो है प्रोटीन अच्छा सिंथेसाइज कर रहा है और प्रोटीन हार्मोन्स बना रहा है, तो उससे क्या होगा? प्लांट बढ़ा है। अगर हाइट क्या कहते हैं शॉर्ट हो गए, मीन्स कि वो प्रोटीन इतना कैपेबल नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बना सके, तो प्लांट शॉर्ट हो गई। अब बहुत से कंडीशन में ऐसा होता है कि जीन भी अच्छा है बट प्रोटीन के टाइम कुछ ऐसा अल्ट्रेशन हो जाता है, ये इतना प्रोटीन का जो सिक्वेंसेस है वहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिससे जीन तो है टॉल हाइट बनाने के लिए बट जो वो प्रोटीन बना रहा है उससे जो हार्मोन्स बन रहा है वो उतना कैपेबल नहीं है, या वहाँ पे थोड़ा सा म्यूटेशन आ गया। म्यूटेशन बोले तो एक ऐसा चेंजेस जो बहुत सडनली हो गया, अचानक से हो गया, पता ही नहीं चला। तो ऐसे भी चांस होते हैं जिसमें म्यूटेशन आ जाता है, कुछ वेरिएशन सिक्वेंसेस में हो जाते हैं, जीनोम में हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन जो बन रहा है वो थोड़ा डिफरेंट काइंड का बन जाता है, जो उस चीज़ को उस हार्मोन्स को बनाने में कैपेबल नहीं होता है या उस तरह से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से
प्लांट जो है तो जीन टॉल का, बट वो टॉलनेस नहीं दे पा रहा है, जिससे प्लांट जो है या तो शॉर्ट हाइट हो जाएगा या तो एवरेज हाइट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सब क्या किस पे डिपेंड है, जीन पे डिपेंड है, और जीन के जरिए जो बनाया हुआ प्रोटीन है उस पे डिपेंड है। अगर वहाँ पे कोई अल्टरेशन आ गया, वहाँ पे कोई म्यूटेशन आ गया, कोई वेरिएशन आ गया, जिसके चांसेस हैं, जितने भी कम से कम चांसेस होते हैं इस सब में, बट है चांसेस कि अगर पेरेंट्स भी टॉल हाइट के हैं, बट कभी कभी बच्चे जो होते हैं एवरेज हाइट के हो जाते हैं, या तो कभी कभी शॉर्ट हाइट के भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक म्यूटेशन हो सकता है कि जीन के सीक्वेंसेस में हो गए हों या जीनोम में हो गए हैं, जब वहाँ से यू नो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है या फिर प्रोटीन बन रहा है जो रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए, तो वहाँ पे कुछ प्रोटीन में बनने में यू नो चेंजेस आ गए हों या कुछ म्यूटेशन आ गए हों, जिससे वो इतना कैपेबल ना हो एक्सप्रेस करने में कैरेक्टर को। तो यहाँ पर भी ऐसे चांसेस प्लांट में भी होते हैं कि जो हार्मोन्स ऑक्सिन होता है उसको रिस्पॉन्सिबल, उसको बनाने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे प्लांट की हाइट उतना नहीं बढ़ पाती जितना लोग सोचते हैं कि बढ़ेगी, ठीक है, तो उतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जीन उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कैरेक्टर को, उतने अच्छी तरीके से वो ट्रांसफर नहीं कर पाया, या प्रोटीन बनाने में कहीं ना कहीं कुछ अल्ट्रेशन आया है, तो कैरेक्टर जो है फुल्ली एक्सप्रेस्ड नहीं हो पाया है। तो ये भी चांसेस होते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया है कि किस तरह से ट्रेट एक्सप्रेस्ड होते हैं या किस तरह से ट्रेट जो होते हैं जनरेशन टू जनरेशन उनका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझने में इजी हुआ हो और काफ़ी कुछ समझ में आ गया हो। तो आज इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एक नया टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।